तो गाइज ये है वन प्लस के बर्ड्स बुलेट्स जी टू, सॉरी बर्ड्स मुंह पे रहता है तो बुलेट्स जी टू है ये। एंड आज की वीडियो में हम लॉन्ग टर्म रिव्यू जानेंगे, उसके अलावा जानेंगे कि इनका बैटरी बैकअप कितना है, इनका चार्जिंग टाइम कितना है, एंड जितना वन प्लस यहाँ पे प्रॉमिस करता है क्या आपको रियलिटी में उतना ही बैटरी बैकअप मिलता है, कम ज़्यादा मिलता है, तो वो चीज़ चेकआउट कर लेंगे। बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं जे एस टेक। तो गाइज फर्स्टली हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की लुक डिजाइन पे, तो वन प्लस बर्ड्स जी टू का लुक काफी अच्छा है। तो गाइज ओवरऑल वन प्लस की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे वन प्लस जी टू की काफी अच्छी है। नो डाउट थोड़ा चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर के जी वर्जन से, जैसे कि ये वाला पोर्शन राइट, एंड नेकबैंड का जो साइज है वो थोड़ा सा स्मॉल हो गया है। बट बात कर लें यहाँ पे टेंगल फ्री वायरिंग की, मैग्नेटिक कनेक्शन की, तो काफ़ी अच्छे हैं। इन ईयर फिटिंग भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। 12.4 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, 10 मिनट चार्ज करेंगे अप टू 20 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बट रियलिटी चेक लेटर ऑन देख ही लेंगे। टोटल 30 आवर्स का बैटरी बैकअप देते हैं। IP55 है, ब्लूटूथ के लिए 5.0 की कनेक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। AI है फॉर नॉइज कैंसिलेशंस, तो प्रीटी मच यही है प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस, और कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी तो आपको वन प्लस में वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। एंड अगेन जो मैग्नेटिक डिस्कनेक्ट वाला फंक्शन है, आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे तो ये अगेन मैग्नेट से डिस्कनेक्ट। तो गाइज हमने प्रोडक्ट की लुक डिजाइन एंड थोड़े फीचर्स यहाँ पे देख लिए, उसके अलावा मैंने इसको अलग अलग कंडीशन में भी टेस्ट आउट किया, गेमिंग एंड अदर चीज़ें हैं। बट इन ईयर फिटिंग एंड इन ईयर म्यूजिक कैसा है, तो इन ईयर फिटिंग यार जबरदस्त है, कोई भी कंप्लेन नहीं है। रनिंग जॉगिंग वगैरह में आप डेफिनेटली इनको यूज़ कर सकते हैं, एंड इवन फॉर समर्स गाइस स्वेट आने से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो इनके जो ड्राइवर्स हैं वो चेकआउट कर लेते हैं कि कितने पावरफुल यहाँ पे ड्राइवर दिए गए हैं। आप मुझे बताइए कि माइक्रोफोन कितनी नॉइज़ कैप्चर कर रहा है, विच मीन अगर आप मेरे बगल में बैठे हैं मैं फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक सुन रहा हूँ तो कितने आप वॉल्यूम सुन सकते हैं, वो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो गाइज साउंड आपने सुन ली है, एंड माइंड ब्लोइंग यहाँ पे साउंड दे रही है। मैंने इनको जब यहाँ पे साउंड सुनते हुए सुनते ऐसे कनेक्ट किया तो नॉर्मली ये जो है ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, मे बी कुछ बग्स की वजह से। बट मैंने अगर अभी ये चीज़ की है तो वो कनेक्ट होने के बाद आपकी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा अगर आपको वन प्लस बुलेट जी के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो म्यूजिक सुनने के बाद जो म्यूजिक का रिव्यू है वो मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। तो आपको मिलते हैं काफ़ी अच्छे ड्राइवर्स जो कि इन टर्म्स ऑफ बेस, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ साउंड लाउडनेस, वोकल साउंड, एवरीथिंग गाइस आपको टॉप नोच मिलती है। मे बी आपको दूसरे ईयरबड्स नेकमेंट ये चीज़ ऑफर ना कर पाए, बट वन प्लस बुलेट्स जी टू में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। साउंड क्वालिटी के मामले में भी ये ज़बरदस्त दिए गए हैं। इवन दो जो नेकबैंड की सेफ साइज है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो साउंड वाइज मैं इनको 9 marks दे रहा हूँ आउट ऑफ 10, क्योंकि साउंड माइंड ब्लोइंग है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनके गेम मोड की, तो गाइज गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं एक बार। इस वन प्लस जी टू में कोई भी डेडिकेटेड गेम मोड यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट स्टिल आपको जो लेटेंसी है वो समवेयर अराउंड 88 ms की आएगी। प्रीवियस वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं जिसमें आपको कम्प्लीटली ए टू जी डिटेल्स मिल जाएंगी, बट ये वीडियो क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ पे फोकस है तो मैं आपको बता दूंगा लेटर ऑन की कितना बैटरी कंज्यूम यहाँ पे होती है इन गेम मोड। एंड अगर आप यहाँ पे साउंड सुनना चाहते हैं तो साउंड कुल मिला के अच्छी आती है, एंड इवन जो आई मीन एनिमीज वगैरह के फुटस्टेप हैं वो भी आपको क्लियरली यहाँ पे सुनाई देने वाले हैं।
तो गाइज यहाँ पे गेमिंग रिव्यू मैंने ऑलरेडी दे दिया है, बट कोई भी डेडिकेटेड बटन नहीं है गेमिंग के लिए, तो आप मुझे बताइए कि गेम मोड यहाँ पे कैसा है, आपको किस टाइप की लेटेंसी देखने को मिलती है। अगर मैं लेटेंसी वाइज बात करूँ तो लेटेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल गेमर्स के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। आप स्टार्टिंग प्लेयर हैं तो आप BGMI वगैरह खेल सकते हैं, बट उससे ज़्यादा लाइक अगर आप क्राउन लेवल वगैरह पे हैं तो आप मत इनको यूज़ कीजिए। देन लास्ट चीज बचते हैं इनका माइक्रोफोन टेस्ट, उसके बाद मेन फीचर्स पे मेन थिंग्स पे आते हैं जो वीडियो का फोकस था। तो माइक्रोफोन हमने इंडोर एंड आउटडोर दोनों टेस्ट किए। तो ये गाइज वॉइस जो है ये वन प्लस बड्स G2 से रिकॉर्ड हो रही है, अभी कोई भी नॉइज़ नहीं थी, एंड अभी मैं फ़ैन को मैक्सिमम वॉइस पे यहाँ पे पुट आउट कर रहा हूँ, एंड आप मुझे चेकआउट करके बता सकते हैं कि कितनी वॉइस मैं एग्जैक्टली नीचे खड़ा हूँ, एंड आप मुझे बताइए कि कितनी नॉइज़ यहाँ पे कैप्चर हो रही है। आई होप आपको माइक्रोफोन यहाँ पे सुनने के बाद एक आइडिया लग गया होगा कि कितनी अच्छी यहाँ पे माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो माइक वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। लास्ट चीज़ यहाँ पे बचती है इनकी बैटरी बैकअप एंड इनका चार्जिंग टाइम। तो एज पर ब्रांड 10 मिनट आप चार्ज करेंगे तो ये आपको दे देते हैं 10 मिनट की चार्जिंग में 20 घंटे का बैटरी बैकअप विद सर्टेन टर्म एंड कंडीशन, जो आप माइंड नहीं करेंगे रीड करना तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देन टोटल 30 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा इनको फुल चार्ज करने में, बट फुल चार्जिंग का टाइम क्या है एंड कैसे आपको चार्ज करना है। तो गाइस ब्रांड की ओर से रिकमेंडेड एक 5 वोल्ट का चार्जर, आप 5 वोल्ट के चार्जर को यूज़ करते हुए चार्ज कीजिए इनको। बट मेरी रिकमेंडेशन है 5 वोल्ट का चार्जर आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे, कहाँ परचेज करते रहेंगे, नेकबैंड के लिए अगर है तो 5-10 वोल्ट बेस्ट है, आप यूज़ कीजिए, बैटरी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर नहीं है तो क्या करें, आप अप टू 33 वोल्ट का कहीं से रेंज कर लीजिए, यूज़ कीजिए चार्ज करने के लिए। टाइप सी की केबल यहाँ पे यूज़ होती है तो आप वो यूज़ करते हुए चार्ज कीजिए, एंड चार्जिंग में आराम आपको 40-50 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन बात करें बैटरी बैकअप की, 10 मिनट में 20% मिलती है, फास्ट चार्जिंग ऑब्वियसली सपोर्ट करते हैं, बट 20 घंटे नहीं मिलेगी। रीजन बिंग क्या है, 60% आपको वॉल्यूम यूज़ करने होंगे, कॉल नहीं यूज़ कर सकते, गेम यूज़ नहीं कर सकते, सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशंस यहाँ पे आपके ऊपर लाद दी गई हैं, ब्रांड आपको उसके ऊपर बोलता है कि ये करिए तो आपको वो रिजल्ट मिलेंगे, एंड वो भी कोई गारंटी नहीं है, 20 की जगह 18-16 हो सकते हैं, राइट। तो मैं रियलिटी चेक बताता हूँ, 10 मिनट की चार्जिंग में आपको हार्डली ये 12 घंटे दे सकते हैं, बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप फुल वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, कॉलिंग यूज़ करें, गेमिंग यूज़ करें, तो आपको 10-12 घंटा मिल जाते हैं, जो कि सुफिशियंट यार, 10 मिनट ज़्यादा नहीं होता। आप एक बार टहलने जाओगे 10 मिनट वहाँ पे आप कंज्यूम हो जाएंगे, तो उतने देर में ये आपको सुफिशियंट लाइक 2 दिन तो निकाल देगा 10 मिनट की चार्जिंग में, तो काफ़ी अच्छी चार्जिंग दी गई है। तो बैटरी बैकअप की बात करें, रियलिटी में बैटरी बैकअप कितना है, तो जो रियलिटी चेक है बैटरी बैकअप का गाइज, तो वो आपको मिलता है यहाँ पे करीबन 20 से 22 घंटा। अगेन चीज़ें डिपेंड करती हैं कितनी वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, कितना क्या यूज़ कर रहे हैं, राइट। बट 20 घंटा बैटरी बैकअप सफिशियंट है, जो कि 4-5 दिन निकाल लेता है मेरे जैसे यूजर्स को, हफ्ता हफ्ता भी ये काफ़ी सफिशियंट रहता है। तो मेरे ओर से गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।